उत्तर प्रदेश में 25,000 होमगार्ड्स की ड्यूटी खत्म करने के मामले में योगी सरकार इस कदर घिरी कि अब सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। योगी सरकार ने यू टर्न लेते हुए साफ कर दिया है कि किसी भी होमगार्ड को नहीं निकाला जाएगा। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर पहले ही सियासी पारा चढ़ा हुआ है कि इस बीच जैसे ही योगी सरकार की ओर से 25,000 होमगार्ड्स की ड्यूटी खत्म करने का फरमान सामने आया, सूबे के राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई। विपक्ष ने तो सरकार पर सवाल दागे ही, वहीं होमगार्ड्स भी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए। चुनावी मौसम में ये फैसला कहीं सरकार पर भारी न पड़ जाए, उसे देखते हुए अब योगी सरकार ने अपने फैसले पर यू टर्न ले लिया है। होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान ने कहा कि किसी भी होमगार्ड को नहीं निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि डीजीपी से बात कर सीमित बजट में ड्यूटी देने का सुझाव दिया गया है। यूपी पुलिस अपने सीमित बजट में 17,000 होमगार्ड्स को ड्यूटी पर रख सकती है, बाकी 8,000 होमगार्ड्स को मुख्यालय से ड्यूटी मिलेगी। चौहान ने कहा कि 31 मार्च के बाद सभी होमगार्ड को नए मानदेय के साथ ड्यूटी मिलेगी और नए बजट में होमगार्ड और पुलिस का बजट भी बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि योगी सरकार ने कानून व्यवस्था में ड्यूटी करने वाले होमगार्ड्स की संख्या में 32% तक की कटौती करने का फैसला लिया था, जिसे लेकर एडीजी की तरफ से एक आदेश जारी हुआ जिसमें 25,000 होमगार्ड्स की सेवाएं समाप्त करने की बात कही गई थी। इसके लिए बजट की कमी का हवाला दिया गया, मगर रोजगार की कमी के बीच जब सरकार ने 25,000 लोगों के भविष्य पर नजर डाली तो पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हो गया, जिसके बाद अब सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।